देखिए आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर रिलेट कर पाओगे गाइस। जैसे गोरूर गाड़ी बोला जाता है, देखिए गाइस शानदार स्नानागार है, इसमें सब कोई नहाते थे। मतलब देखिए गाइस एक सींग वाला घोड़ा, जैसे कि दिखा रहा हूँ, देखिए ये है आपका प्रकृति देव। स्पॉटलाइट का संग जो ये बाली का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब बाली का। Hey guys, welcome to Bonny's Nation and you are watching Bonny Vlogs. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए और एक पूजा पंडाल प्रस्तुति का वीडियो लेकर आ गया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज ये हिस्ट्री रिलेटेड है। आप लोग मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सुने हो, तो इस साल हरिदेवपुर आदर्शो शोमिति सिंधु मातर मोहेंजोदारो थीम पंडाल बना रहा है, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए इस पंडाल देखते हैं कैसे क्या पंडाल बना रहे हैं। इस साल हरिदेवपुर आदर्शो शोमिति हम लोगों को सबको दिखाएगा कि मोहेंजोदारो कैसा दिखने में। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करके आज का ब्लॉग मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। आदर्श समिति का जो बाहर का पोर्शन है, ये एक पार्क है, पार्क के साइड में ये पंडाल बनाया जा रहा है। देखिए गाइस पूरा अभी कंस्ट्रक्शन साइट पूरा ढका हुआ है, अंदर पंडाल बन रहा है, तो चलिए गाइस पंडाल के अंदर जाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए ये आपका एंट्री पॉइंट है। देखिए इस तरफ तो आपका गेट बनाया गया है, पीछे से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पहले ही। देखिए गाइस पूरा आपका पिलर स्ट्रक्चर से जैसे कि बनाया गया है, सामने मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हालांकि ये अभी पहले गेट बनाया गया है, चर पहले बनाया गया है, ये पूरा आपका पंडाल हो रहा है बाली, मतलब सैंड से पूरा रेडी हो रहा है। और देखिए कितना शानदार एक मतलब आपका स्कल्पचर्स बनाया गया है, देखिए बहुत ही खूबसूरत गाइस। पूरा आपका मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन में जैसा पहले था, देखिए आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर रिलेट कर पाओगे गाइस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए असाधारण लग रहा है गाइस। इस तरफ भी देखिए अलग टाइप का, देखिए आपको ऐसा जो आपका ऐसा उसका स्कल्पचर जो अभी नॉर्मली इधर बन रहा है, देखिए गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी काम बाकी है और ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन है, बिकॉज अभी हालांकि बहुत बारिश हो रहा है, फिर भी देखिए गाइस पूरा जो आपका सैंड मतलब बालू से जो बन रहा है, मतलब बाली से जो बन रहा है गाइस, पूरा ऐसा करके चैलेंजिंग पार्ट में भी अभी पंडाल बनाया जा रहा है, देखिए। सो गाइस देख पा रहे हो जैसे कि पूरा बाली से बनाया गया है, देखिए कितना शानदार, देखिए स्टेप्स बनाया गया है बहुत, मतलब ऐसा चैलेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन में देखिए गाइस फिर भी ये पंडाल का जो कुर्ती प्रोखो लोग हैं बहुत मतलब शानदार एक काम कर रहे हैं, मतलब अप्रिशिएट करने लायक है। देखिए गाइस मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन जब डिस्ट्रॉय होने वाला था उसके पहले का सिनेरियो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए आप लोग ध्वंसावशेष जैसा रहता है, देखिए डिस्ट्रक्शन पार्ट हो गया है ऑलमोस्ट, देखिए ऐसा मोहेंजोदारो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। काफ़ी यूनिक टाइप का इस बार का जो थीम बन रहा है आपका हरिदेवपुर आदर्शो शोमिति में, बहुत बढ़िया थीम बन रहा है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट थीम हो गया है। स्पेशली गाइस पूरा सैंड से मतलब बाली से देखिए बन रहा है, कितना शानदार, आप लोग नहीं आओगे तो समझ में नहीं आएगा जितना मैं आपको वीडियो में दिखा पा रहा हूँ। देखिए कितना शानदार, देखिए गाइस स्टेप्स बनाया गया है, देखिए बहुत शानदार, देखिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन में आप लोग देखे हो पहले, जैसे देखिए कितना शानदार, मतलब ये आपका रखा गया है प्रॉप्स बोल सकते हो, जैसे गोरूर गाड़ी बोला जाता है। देखिए गाइस शानदार पूरा ये आपका पूरा बाली से ही बनाया गाइस, देखिए पूरा आपका बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी फिनिशिंग थोड़ा बहुत बाकी है, देखिए ऐसा टाइप का आपका जो लांगुल होता था पहले, ऐसा टाइप का लांगुल यूज़ किया जाता था, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, देखिए बांस से ये रेडी किया गया है। देखिए पूरा बांस से पहले का ज़माने का जैसे होता था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए पूरा एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, देखिए गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे कि आप लोग पहला एक बैकग्राउंड किया गया, मतलब एक बॉर्डर लाइन किया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरा आपका बाली से ही बना है, मतलब सैंड से बना है। देखिए ऐसा बॉर्डर लाइन करके पहले इस तरफ से आ रहा है, इधर आके कम्प्लीट हो चुका है। हालांकि अभी बारिश का वेदर है तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, देखिए पूरा ऊपर सैंड है और ये जो एक स्कल्पचर जैसे कि बनाया गया है बाली से, इसलिए ढाका गया है। तो देखिए गाइस इस तरफ भी आपका पीछे वाला स्ट्रक्चर अलग टाइप का देखने का, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हैं ये भी दूसरा टाइप का डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों को देख के लग रहा है शायद ये अनइवन है, बट ऐसा अनइवन ही बनाया गया है, बिकॉज जब डिस्ट्रॉय होने वाला था मोहेंजोदारो तब का ऐसा देखिए गाइस देखने लायक था, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है बिकॉज एकदम प्रॉपर फिनिश दिया गया है। अभी एक आपका बाली मतलब सैंड का कोटिंग होगा जो लास्ट कोटिंग होगा फिनिशिंग के लिए जस्ट। सो जैसे कि देख लीजिएगा आपका स्नानागार है, मतलब मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन जब पहले था, अभी हम लोग जैसे कि स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, मतलब मॉडर्न स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं, तो तब का टाइम में कम से कम 4,500-5,000 साल पहले
का टाइम का ये मोहनजोदारो सिविलाइजेशन का बात मैं आज कर रहा हूँ। देखिए स्नानागार है, इसमें सब कोई नहाते थे, मतलब वैसा ही बनाया गया है अभी। हालांकि आप लोग ऐसा देख रहे हो बहुत सारा पता है, ये पूरा क्लीन हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा एक कंसेप्ट देखिए गाइस रेडी हो रहा है होरीदेवपुर आदर्श समिति में। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, और इस तरफ आप देख पा रहे हो देखिए गाइस, इस तरफ भी बॉर्डर लाइन जो किया गया है, मतलब इस तरफ से पूरा आपका बॉर्डर लाइन इस तरफ भी आया गया है। देखिए आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ, ये सब आपका हाथ का कारूगर जो है गाइस, और सब कुछ आपका पूरा बाली से बनाया गया है। आपका सिविलाइजेशन का देखिए कितना अच्छे से ये बढ़िया तरीके से ये बनाया गया है। देखिए बहुत शानदार छोटा छोटा घर का तरह बनाया गया है। देखिए गाइस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए जब लाइटें पड़ेंगी इसमें तब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, अभी तो आपको रॉ मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। देखिए पंडाल बहुत बड़ा एरिया लेकर बन रहा है, आप तो कुछ भी अभी समझ नहीं पाओगे। देखिए गाइस एक बार आप लोगों को फिर भी एक ब्रीफ आइडिया दे दे रहा हूँ, देखिए कितना बड़ा सा मतलब एरिया से ये पंडाल बन रहा है। उस तरफ भी पंडाल है जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, देखिए अभी तो बारिश के लिए ढका गया है, बिकॉज आप लोग सबको पता है पूरा सैंड का हो रहा है। देखिए बहुत सारा चीज़ें थोड़ा गड़बड़ हो भी गया है बारिश के लिए, बट ये जो आपका स्कल्पचर बनाया गया है, ये देखिए एक सींग वाला जो घोड़ा होता है इस मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में, आप लोग अगर पहले पढ़े होंगे या फिर आप लोग रिसर्च कर लो आपको मिल जाए। देखिए आपका सींग वो दिख रहा है, बट अभी पूरा सा ढाका गया है तो खुला नहीं जा रहा है, अच्छे से ढाका गया है एक सींग वाला घोड़ा, काफ़ी ज़्यादा गाइस बढ़िया। देखिए गाइस एकदम डिट्टो आपका जो मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में पहले रहता था, देखिए वॉल को खुदाई करके जो पहले बनाया जाता था, मतलब दीवार को खुदाई करके, देखिए पूरा वैसे ही बनाया गया, पूरा आपका बाली का काम हुआ है गाइस। देखिए पूरा बाली टच नहीं करूंगा, बट आप सामने से देखिए गाइस पूरा सैंड का काम हुआ है, और काफ़ी बढ़िया इधर का काम चल रहा है गाइस, जो आर्टिस्ट जो मतलब काम कर रहे हैं, देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। तो गाइस मैं इस तरफ आ जा रहा हूँ, देखिए पहले आपका मट्टी लगाया गया है, उसके बाद देखिए बाली का आपका पूरा काम चल रहा है, कितना शानदार। देखिए गाइस एक सींग वाला घोड़ा जैसे कि बनाया गया था अलग से, अभी देखिए इधर भी आपको समझ में आ रहा है, देखिए बहुत बढ़िया मतलब हाथ का काम गाइस इधर हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया कारुकार्य जो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। देखिए देखिए गाइस पहला बार मैं देख रहा हूँ ऐसा पंडाल जो कि इन डिटेल्स बना रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए गाइस आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, देखिए पूरा आपका सैंड से बन रहा है, और देखिए सैंड को आपका गोल गोल करके गोला पका पका के डिज़ाइन बनाया गया है, और इस तरफ देखिए जो बनाया गया है एकदम फाइन बनाया गया है, कोई आपका मतलब गलती आप नहीं पकड़ पाओगे। देखिए बहुत शानदार लग रहा है गाइस, देखिए इस तरफ आ जाता हूँ, देखिए इस तरफ भी सेम है, मतलब पूरा आपका ये वॉल में आपका नीचे पूरा ऐसा कारूगर जो बनाया गया है। इसमें जब लाइट पड़ेंगे ना गाइस, आपको मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ, मतलब अलग ही लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा जब इसमें लाइट पड़ेंगे। बहुत सारा कारुकार्य जो कि बाली से पूरा बनाया गया है, पूरा देखिए बाली से ही रेडी हुआ है, बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म रेडी हो गया है गाइस, जैसे कि आप लोग देखो बहुत तरह का। और देखिए गाइस ये गुफा पूरा आपका बाली से ही रेडी हुआ है, पूरा बाली से रेडी हुआ है गाइस ये गुफा, बहुत शानदार लगा। सो गाइस आप लोग ऐसा एंट्री करोगे, एंट्री करके इस रास्ते से आपको चढ़ना पड़ेगा पहले ऊपर, देखिए इस पूरा सीढ़ी बनाया गया है, और राइट साइड आपका मोहनजोदारो सिविलाइजेशन पहले दिखाया है, तो मैं इस तरफ आ चुका हूँ। तो चलिए गाइस पहले ऊपर जाते हैं, और देखिए कितना शानदार तरीके से गाइस बनाया गया है, एक बार देख लीजिए गाइस ऊपर से, काफ़ी बढ़िया व्यू है। देखिए गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है, देखिए बहुत 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 सुंदर लग रहा है। देखिए गाइस बहुत सारा चीज़ें जैसे कि बनाया गया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, देखिए बट बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। देखिए देखिए गाइस ऊपर वाला पोर्शन में आके जैसे कि देख पा रहे हो, चारों तरफ आपका बाली का काम हुआ है, और कितना निखुत काम हुआ है जैसे कि देख पा रहे हो, देखिए बहुत खूबसूरत, देखिए गाइस बहुत 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 बढ़िया। ये वाला पोर्शन तो आपको मैं पहले ही दिखा दिया हूँ, और देखिए गाइस अभी लाइट जितना भी हो सका भैया लोग अरेंज कर दिए मेरे लिए, काफ़ी गाइस इधर अच्छे से मेरे लिए अरेंज कर दिया। देखिए गाइस ये वाला आप जो देख पा रहे हो
पूरा बाली से बनाया गया है। ये सिंधु माता है, मतलब सिंधु रिवर जो आप लोगों को सबको पता है मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का जो साइड में जो यू शेप्ड सिंधु रिवर था, देखिए सिंधु माता बहुत अच्छे से ये स्कल्पचर बनाया गया है। हालांकि अभी इसमें आपका वो बल्ब कलर का जो लाइट है नहीं पड़ रहा है, और जब पड़ेगा बहुत बढ़िया लगेगा। इस देखिए कि बहुत शानदार तरीके से गाइस बनाया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। इस तरफ अगर मैं आ जाता हूँ, देखिए गाइस इस तरफ भी आपका सेम कारुकार जो पूरा किया गया है, देखिए बहुत शानदार। और ये ऊपर वाला पोर्शन आप लोग देख पा रहे हो, बाद में बताऊंगा मैं क्या है ये, बाद में मैं बताऊंगा, अभी काम हो रहा है इसमें। देखिए गाइस बहुत शानदार। तो चलिए गाइस नीचे जाते हैं। आप नीचे आओगे जैसे कि देख पा रहे हो, देखिए ये वाला पोर्शन आपका गुफा है, ये तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, बट पहले आप देख लीजिए सबसे जो यूनिक चीज है जो बना है। देखिए एक सुरंग का टाइप बनाया है, एक सुरंग बनाया गया है जिससे आप सीधा सीधी आप दुर्गा माँ को देख पाओगे। स्पेशली ये जो दुर्गा प्रतिमा आप लोग देख पा रहे हो, इस साल का दुर्गा प्रतिमा है इस क्लब के लिए। देखिए गाइस ये आपका बेत से मतलब पूरा बना है, और ये आपका पूरा बाली से बनेगा। तो अभी काम बहुत बाकी है बिकॉज बारिश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट मेन जो चीज़ है, आप लोग पीछे से आओगे तो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है जो है, जो आप एक सुरंग के माध्यम से दुर्गा देवी को देख पाओगे, जो कि बहुत मतलब ये बढ़िया एक चीज़ है, बढ़िया एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। देखिए सो गाइस देखिए सुरंग में दुर्गा माता को देखने के बाद आप सीढ़ी है, सीढ़ी बनाया गया है। और देखिए पहले ये वाला पोर्शन आप लोग देख लीजिए, जिसके लिए मैं बहुत देर से आपको बोल रहा था। अभी देखिए पूरा स्पॉट लाइट का खेल पूरा जम गया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखिए गाइस ऊपर आपका पूरा झूड़ी से बनाया गया है। देखिए गाइस पूरा झूड़ी मतलब ऊपर आपका सीलिंग जो है पूरा, आप लोग जो देख पा रहे हो पूरा झूड़ी से बनाया गया है, मतलब बेहतर जो झूड़ी होता है बहुत शानदार लग रहा है। झूड़ी के बॉडी में आप जैसे कि देख पा रहे हो पूरा सैंड मतलब बाली से आपका पूरा लेपन किया गया है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट। और अंदर देखिए बहुत सारा स्कल्पचर जैसे कि अभी बना है, देखिए ये एक अलग टाइप का स्कल्पचर जैसे कि बन रहा है। इस तरफ अगर आप आ जाओगे ये वॉल पे पूरा आपका डिज़ाइन बना है। देखिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, आप लोग सिर्फ वीडियो में देख लीजिए तो समझ पाओगे कि कितना बढ़िया पंडल इस साल का हो रहा है। देखिए ये एक यूनिक सा पैंडल हो रहा है। देखिए गाइस बहुत तरह तरह का स्टोरी टेलिंग है मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का जैसा था, ये बहुत शानदार। ये सब पूरा आपका मिट्टी का बेस है और बाली से पूरा बना है। देखिए बहुत शानदार लग रहा है गाइस, अपूर्व लग रहा है। देखिए ये बहुत खूबसूरत, देखिए गाइस। और ये जो स्पॉट लाइट का जो आपका गेम है, मतलब स्पॉट लाइट का संग जो ये बाली का जो कम्बिनेशन है, मतलब बाली का जो कलर होता है, सैंड का जो कलर होता है, उसके साथ ये रंग पूरा खुल रहा है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ज़्यादा आपका मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं बोल के आप मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम प्रॉपर लग रहा है। मैं मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का कोई एक प्लेस में आ चुका हूँ। देखिए बहुत बढ़िया। तो गाइस देखिए एक मतलब गाछ का तरह पहले बनाया गया है, देखिए जलने का नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया से आपका बनाया गया है बाली से। और देखिए दूर में आपका दिखा रहा हूँ इस तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये है आपका प्रकृति देवी, और ये भी आपका पूरा बाली से बना है जैसे कि देख पा रहे हो। और नीचे आपका पूरा पानी का सेटअप किया गया है, उसके बाद आपका वो प्रकृति देवी रखा गया है। और आप लोग जो पीछे देख पा रहे हो प्रकृति देवी के साइड में जो बैकग्राउंड बनाया गया है वो सब बिचाली से बनाया गया है। देखिए गाइस स्पेशली लाइट में मतलब ऐसा लाइट में ज़्यादा खिल रहा है पूरा पंडाल, और ऐसा लाइट का ही पूरा सेट होगा। देखिएगा इस कम्बिनेशन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इस तरफ आप लोग देख लीजिए पूरा बनाया गया है, ये आपका मोनी ऋषि है। अलग अलग स्टोरी टेलिंग है जैसे कि देख पा रहे हो। देखिए इस मोनी ऋषि लोग जैसे कि देख पा रहे हो सब ध्यान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कंसेप्ट बन रहा है। और देखिएगा इस ऊपर पूरा आपका झूड़ी से पूरा बनाया गया है, जो ऊपर का सीलिंग काफी बढ़िया लग रहा है गाइस, देखिए बहुत सुंदर।
सो हे गाइस, मैं आप लोगों को होरिदेवपुर आदर्श समिति का पूजा पंडाल प्रस्तुति कैसा क्या चल रहा है मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जो रिलेट किया है बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस। हालांकि गाइस आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं तो आपको अच्छे से मैं नहीं दिखा पाया हूं, बट आज आशा करता हूं जितना भी दिखा पाया हूं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो गाइस प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हियर बॉनी व्लॉग साइनिंग ऑफ, बाय गाइस।